विदिशा जिले के कुरवई में आज 15 वार्डों के पार्षदों द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष के मतदान संपन्न हुआ। नगर परिषद कुरवई में एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहरा गया, जहां 15 पार्षदों में से 8 ने कांग्रेस की आयशा हसरुद्दीन खान को और 7 ने भाजपा की माया देवी सप्रे को अपना मत दिया, जिसके चलते आयशा हसरुद्दीन ने एक वोट से जीत हासिल कर ली। तो वहीं उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भी कांग्रेस से इरफान काजी ने जीत हासिल कर नगर परिषद में एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहरा दिया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आप पूछेंगे बताएं, अब ये जीत विकास की जीत है और जनता की जीत है। जिस तरह से हर वार्ड में जनता ने एक उत्साह दिखाया था मेरे पार्षदों को जिताने के लिए, और एक मुहिम थी, एक दिल में उत्साह था पब्लिक के कि इनको दोबारा आना चाहिए, क्योंकि विकास देखा लोगों ने, प्रेम भाव देखा। मैंने जिस तरह से 5 साल में पब्लिक के बीच में रह के प्रेम भाव के साथ विकास किया, काम किया और सबको लेके चला, ये उसका नतीजा है कि आज दोबारा से रिपीट हमारी कांग्रेस हुई। मैं नहीं हुआ, कांग्रेस हुई है रिपीट। ये जनता ने भरपूर प्यार दिया और हमारे पार्षद जो एकजुट हुए, ये पार्षदों की जीत है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, हमारे पार्षद एकजुट हुए और सब लोगों ने हमें नगर की इतने दिनों में किन चुनौतियों के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। तो बहुत ज़्यादा भाजपा की तरफ से धमकियां आई हमारे पार्षदों को, उनके घर तोड़ने की धमकी आई, उनको जेल भेजने की, FIR कराने की धमकी आई, और तरह तरह के हथकंडे जो अपना सकते थे, इतना गिर के भाजपा ने हथकंडे अपनाए, मगर मंसूबे उनके पूरे नहीं हुए, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई। आपका एक पार्षद ने कोई क्रॉस वोटिंग की है? साथ मैं अभी उसके बारे में कुछ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।